और बता दें आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रक्षा संबंधी संसदीय समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला ये है कि वो पेंगोंग झील और गलवान घाटी का दौरा करेंगे। बता दें आपको कई तरह के सवाल जो है इससे पहले विपक्ष उठा चुका है। राहुल गांधी ने कल ही कई बड़े सवाल उठाए, हालांकि बाद में रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मई या जून में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र का दौरा करेंगे और राहुल गांधी भी इस समिति के सदस्य हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जाने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी। तो ऐसे में रक्षा संबंधी संसदीय समिति का बड़ा फैसला है, पेंगोंग झील और गलवान घाटी का दौरा करेंगे। इसी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच हिंसक गतिरोध बना हुआ था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुएल ओराम समिति के अध्यक्ष हैं। मई या जून में वो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र का दौरा करेंगे और राहुल गांधी भी इस समिति के सदस्य हैं। प्रदीप कुमार मुख्य राजनीतिक संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, यहाँ ये बड़ा फैसला लेने के पीछे क्या माना जाए, जो जिस तरह से कल वाद विवाद हुआ है, राहुल गांधी ने तमाम सवाल खड़े किए हैं, क्या उसी को चलते ये फैसला लिया गया? देखिए, फैसला लेने के पीछे वजह क्या है ये तो इसी चीज साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बैठक हुई थी शुक्रवार को और इस बैठक में रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने एक बड़ा फैसला किया है, बड़ा निर्णय लिया है। ऐसे वक्त देखने को मिले हैं, खासतौर से रक्षा मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। खासतौर से जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, इस पर रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बयान भी जारी किया गया था, स्पष्टीकरण माना गया। लेकिन अब इस पर यह जानकारी आ रही है कि जो रक्षा मामलों की संसदीय समिति है वो दौरा करने का उसने फैसला किया है और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे वक्त जब अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो पेंगोंग लेक में समझौता हुआ उस पर सवाल उठे हैं, लिहाजा इसको अगर देखें तो ये चर्चाएं हैं कि ये रक्षा मामलों का संसदीय पैनल मई के हफ्ते में यहाँ पर मई के अंतिम हफ्ते में या जून में पूर्वी लद्दाख का दौरा करना चाहेगा और सरकार की अनुमति के बाद ये दौरा हो पाएगा। इसमें राहुल गांधी भी शामिल है, लेकिन चूंकि वो शुक्रवार को राजस्थान के दौरे पर थे इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाए। तो अब देखना होगा कि आगे क्या रणनीति बनती है, लेकिन इन क्षेत्रों का दौरा करने का निर्णय पैनल की पिछली बैठकों में भी लिया गया था और ये माना जा रहा है कि इसके बाद सरकार की अगर अनुमति मिलती है तो वहां पर ये संसदीय पैनल जाकर जमीनी हालात का जायजा लेगा, रिपोर्ट सौंपेगा। जी, शायद प्रदीप पहली बार ऐसा होगा कि कोई संसदीय समिति वहां पर उस जगह का दौरा करने के लिए पहुंचेगी। कितना बड़ा ये कदम होगा, क्योंकि पहली बार इस तरह का फैसला लिया गया है? देखिए बिल्कुल, और संसदीय मामलों की जो कमेटी होती है उसमें सभी दलों के सांसद होते हैं, ऐसे में जमीनी हालात का अध्ययन कर वो मौके पर जो सैनिकों के लिए रसद सामग्री और दूसरे संसाधन है उनकी उपलब्धता को लेकर अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी जो जो PAC कमेटी है जिसके चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि वो जाना चाहते हैं, लेकिन उस समय सर्दी का बड़ा मौसम था और उसके बाद ये दौरा टल गया था। लेकिन अब रक्षा मामलों की संसदीय समिति वो जाना चाहती है, उसने एक फैसला किया है और इसके लिए सरकार की अनुमति के बाद ये दौरा हो सकता है। तो देखना होगा कि सरकार इसको अनुमति देगी या नहीं, लेकिन ऐसे में जबकि समझौता हुआ है पेंगोंग में और सेना की ओर से वीडियो भी जारी किया गया है, तो जमीनी हालात का वहां पर अध्ययन कर ये देखना चाहेंगे कि क्या हालात है। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि संसदीय पैनल में सभी दलों के सांसद होते हैं और रक्षा का विषय जो है, संप्रभुता का विषय जो है, पूरा देश में एकजुट नजर आया है। लिहाजा एक बड़ा ये निर्णय माना जा रहा है, अगर अनुमति मिलती है और वो दौरा करते हैं संसदीय पैनल तो वहां पर जमीनी हालात का अध्ययन करेंगे और उसके बाद वो रिपोर्ट संसद को सौंप सकते हैं। तो यानी यहाँ सरकार से जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वो वहां नहीं जा पाएंगे, और अनुमति मिलने या ना मिलने के क्या चांसेस हैं यहाँ प्रदीप? देखिए बिल्कुल, इस बात की संभावनाएं नजर आ रही है क्योंकि मौसम अनुकूल होगा, दूसरा जो हालात है सीमा पर वो तनाव घटा है, लिहाजा सुरक्षा चुनौतियां भी इतनी नहीं रहेंगी। ऐसे में पैनल को अनुमति मिल सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। संसदीय पैनल की अध्यक्षता बीजेपी के जुएल ओराम कर रहे हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में संसदीय पैनल के एक देश को भरोसे में लेने के लिए जमीनी हालात का अध्ययन कराकर सरकार की ये मैसेज देना चाहेगी कि जो वहां पर जो हालात है, संसदीय पैनल अगर वहां पर
दौरा करता है तो वो हालात अनुकूल होने का एक एक बड़ा मैसेज होगा। लिहाजा इसको इससे जोड़कर देखें पूजा, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज देना चाहेगी सरकार भी, और इसलिए ये संभावनाएं जताई जा रही है कि अनुमति मिल सकती है।